नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड से जल्द हटेगा राष्ट्रपति शासन, हरीश रावत अब फिर बनेंगे उत्तराखंड के सीएम। सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे खोलकर कांग्रेस की जीत का किया औपचारिक ऐलान। हरीश रावत को मिले 62 में से 33 वोट। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की दखल अंदाजी से नाराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। वीसी ने दी इस्तीफा देने की धमकी, 4 महीने पहले ही हुई थी नियुक्ति। गया रोडरेज केस में अब जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी की गिरफ्तारी के आदेश, वारंट जारी होने के बाद से एमएलसी फरार। विजय माल्या के मुद्दे पर भारत की अर्जी पर ब्रिटेन का जवाब, कहा देश से बाहर नहीं कर सकते लेकिन जांच में देंगे पूरा सहयोग। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में एक जवान शहीद। बांग्लादेश में युद्ध अपराधी मतीउर रहमान निजामी को दी गई फांसी, ढाका सेंट्रल जेल में दी गई सजा। रहमान पर 1971 की आजादी की लड़ाई में नरसंहार करने का आरोप। आईपीएल में कांटे के मुकाबले में बाहर हुई धोनी की टीम पुणे, हैदराबाद ने पुणे को 4 रन से हराया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए जीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।